हेलो एंड वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। मैं सूरज और आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूँ अल्पाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोग इसके पहले वोकैबुलरी की सीरीज डिस्कस कर रहे थे और हमने आपको रूट्स के माध्यम से बहुत सारी वोकैबुलरी, बहुत सारे वर्ड्स को सिखाने की कोशिश की थी। तो वो सारी वोकैबुलरी की जो सीरीज चल रही थी रूट वर्ड की मदद से, वो तो सारी अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन अभी कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स आ गए हैं उनके लिए, टेंटेटिव तैयारी के लिए, थोड़ी तेज़ तैयारी के लिए एक वोकैबुलरी सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, जिसमें मैं पहले आपको बहुत सारे वर्ड्स के करीब 12 से 15 लेक्चर्स आएंगे, जिनमें कम से कम 800 से 900 इम्पोर्टेंट वर्ड्स को मैं डिस्कस करूँगा। उन डिस्कशन किए गए वर्ड्स के बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, MCQ कराऊँगा। MCQ मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊँगा। फिर वो पहले एक एंटोनीम की सीरीज आएगी, उसके बाद सिनोनीम की सीरीज आएगी, या सिनोनीम की पहले या एंटोनीम की उसके बाद आ जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वोकैबुलरी की सीरीज हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो रूट वाली वोकैबुलरी थी वो अपनी जगह बनी रहेगी, और ये उसके अलावा वोकैबुलरी की सीरीज आप समझ लीजिए सीरीज जो है वोकैबुलरी की 2.0 कह करके आप समझ सकते हैं इसको। तो अब देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का आज का पहला वर्ड है अबेस। अबेस का मतलब क्या होता है? देखो, हिंदी में भी मैंने यहाँ पे वर्ड को लिखा हुआ है और उसकी इंग्लिश भी लिखी हुई है, लेकिन आपको हिंदी मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि आप हिंदी पे ज़्यादा ध्यान मगर नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप हिंदी समझने लगेंगे तो उसका आप पूरा जो कोर मतलब है वो नहीं समझ पाएंगे। तो मैं मीनिंग बताऊँगा, मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, उसका ट्रांसलेशन जानने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ का मीनिंग पूछा जाता है तो एज अ हिंदुस्तानी आप ये समझ जाते हैं जैसे कि आपसे हिंदी पूछी जा रही है ना। कई बार किसी चीज़ से पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी का मतलब बताओ, तो हाँ मैं बताऊँगा, और डेमोक्रेसी का मतलब आप क्या कहते हैं? प्रजातंत्र। भाई वो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है, वो डेमोक्रेसी का ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन है। तो ये हिंदी ट्रांसलेशन है, इसका मतलब नहीं लिखा हुआ है, ये समझ जाना। बात जो हम लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे वर्ड्स को, मैं आपको इसकी मीनिंग बताने की कोशिश करूँगा, सब लोग अटेंशन पे करेंगे अपने यहाँ। तो देखो, अबेस का मतलब होता है किसी को डिग्रेड करना, किसी को नीचा दिखाना। डिग्रेड करने का मतलब, ग्रेड कब दिया जाता है इंसान को? कोई अच्छा मार्क आपने पाया या कोई अच्छा काम किया तो उसके लिए आपकी पोजीशन को इन्हेंस कर दिया जाता है, पोजीशन को बढ़ा दिया जाता है, ये तो अपग्रेडेशन हो गया। अपग्रेडेशन का मतलब क्या? आपकी जो भी ग्रेड थी उसे आपको अपग्रेड कर दिया गया, आपको एक ऊँचे वाले पायदान पर भेज दिया गया। लेकिन जब आप कहते हैं डीग्रेड कर देना, डी का मतलब जस्ट उसके पीछे, यानी किसी को जब डिग्रेड किया जाता है तो उसको कम बताया जाता है या उसको नीचा दिखाया जाता है, तो ये होता है अबेस का मतलब। और अबेस का मतलब किसी और को नीचा दिखाना, इसका मतलब होता है अबेस करना। मैंने ऐसा क्यों बोला कि किसी और को नीचा दिखाना, किसी और को के लिए ये इस्तेमाल होता है, अभी आपको समझ में आएगा जब आप देखेंगे ये वर्ड अबेस। मैंने अभी क्या बोला था? अबेस है ये, ABASE, अबेस। लेकिन ये जो दूसरा वर्ड है हमारा, ये है अबैश। अबैश का मतलब क्या होता है? टू एम्बैरेस समवन, किसी को लज्जित कर देना, किसी को लज्जित करना या खुद लज्जित हो जाना। तो एम्बैरेस करने को क्या बोलते हैं? अबैश करना। जैसे मान लो आप कहीं किसी क्लास में गए और आपको अचानक से पता चला कि आपकी ऊपर वाली शर्ट की बटन सुबह से लेकर के शाम तक 3-4 बटन खुली थी और आपको पता नहीं था, और सारा अंदर का मटेरियल ऐसे ही दिख रहा था। तो आप अगर आप सारे दोस्तों के बीच में हैं तो आप क्या हो जाएंगे? एम्बैरेस हो जाएंगे, है ना? या आपकी जिप ठीक से नहीं बंद है, या आपका कोई कपड़ा ठीक से नहीं है, तो आपको एम्बैरेस हो जाना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? अबैश। ABASH, अबैश हो जाना। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अबैश का मतलब क्या होता है? अबैश का मतलब एम्बैरेस, टू एम्बैरेस, एंड अबेस का मतलब होता है टू डिग्रेड समवन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं तीसरे वर्ड की तरफ। तीसरा वर्ड है अबेटॉयर। अच्छा, मैंने जो भी वर्ड को कंपाइल करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे वर्ड जितने भी लिखे हुए हैं ये डिक्शनरी के फॉर्म में है, है ना? देखो आप, मैंने स्टार्टिंग ए से किया है, तो ए से करते हुए इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सिमम वर्ड्स हम लोग कवर कर डालें। तो अगला वर्ड हमारा है अबेटॉयर। अबेटॉयर का मतलब क्या होता है? हिंदी में लिखा है बूचड़ खाना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, जहाँ पे एनिमल को किल्ड किया जाता है, जिसको स्लॉट करना एक वर्ब होता है। स्लॉट का मतलब किसी चीज़ को काटना, जानवरों को काटना, है ना? तो उसको स्लॉटर करना। स्लॉटर करने का मतलब क्या? कटाई करना, मीट बना देना, है ना?
तो उसको स्लॉटर हाउस भी बोलते हैं, इसको स्लॉटर हाउस भी बोला जाता है, ठीक है, इसको स्लॉटर स्लॉटर हाउस ही बोलते हैं, ठीक। तो स्लॉटर हाउस या अबेट्रॉयड का मतलब क्या हो गया, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एबडिकेट। एबडिकेट का मतलब क्या हो जाता है, एबडिकेट का मतलब टू गिव अप। टू गिव अप का मतलब राजा राम को जब वनवास हो गया तो उन्होंने अपने राज सिंहासन को त्याग करके उन्होंने बोला कि अब मुझे मेरे पेरेंट्स ने ये बोल दिया है कि मुझे ये जो राजपाट है ये छोड़ करके जंगल में चले जाना चाहिए और वहाँ के शासन व्यवस्था को देखना चाहिए या वहाँ पर निवास करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने सिंहासन का, उन्होंने अपने रेन का, अपने शासन का परित्याग कर दिया था, उन्होंने छोड़ दिया था उसको, तो इसको क्या बोलते हैं, गिव अप करना। और बड़ा ही कॉमनली वर्ड है आजकल इंडिया में, बहुत सारे लोग बहुत सारी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ तक धीरे 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 यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, मंजिल को तोड़ते यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं फिर सोचते हैं यहाँ तक पहुँच जाते हैं, जब ये यहाँ तक फाइनल हो जाते हैं फिर सोचते हैं अरे यार इतना दूर से मैं चलता चलता आया हूँ, लग रहा है अभी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन उनको मालूम नहीं रहता कि मंजिल थोड़ी सी और मेहनत करते तो वो अपने मंजिल के करीब हो रहे होते, लेकिन यहीं से वो क्या करते, वापस चले जाते हैं, छोड़ देते हैं अपने मंजिल की तरफ वाला जो रास्ता वो छोड़ देते हैं। तो वो क्या कर दिए, उन्होंने गिव अप कर दिया या एबडिकेट कर दिया, है ना। तो गिव अप करना थोड़ा सा लाइट वर्ड है और एबडिकेट करना थोड़ा सा हाई टोन का वर्ड है। एबडिकेट ज़्यादातर एक बहुत ही किसी बहुमूल्य चीज़ को छोड़ देने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। वैसे सेंस क्या था इसका, किसी चीज़ को गिव अप कर देना, त्याग देना या छोड़ देना। एबेरेंट का मतलब क्या होता है, एबेरेंट का मतलब एब नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब तो कोई आदमी सामान्य है, किसी सामान्य सिचुएशन को आप कहते हैं नॉर्मल। एब नॉर्मल, एब एक निगेटिव प्रीफिक्स है ना। प्रीफिक्स का मतलब क्या, प्रीफिक्स यानी पहले से जो फिक्स हो जाए और उसके मतलब को डिफाइन करने लगे, किसी भी वर्ड्स के मतलब को डिफाइन करने लगे उस वर्ड के पहले आ करके, तो ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं, ऐसे एक एक्रोनिम को क्या बोल देते हैं, प्रीफिक्स बोल देते हैं। तो ये हमारा ऐप क्या है, प्रीफिक्स है जो नॉर्मल के पहले लगा हुआ है और इसको बना देता है नेगेटिव, ठीक है। तो एबेरेंट का मतलब हो जाता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब विच इज़ नॉट नॉर्मल। जैसे तुम शाम को अपना पढ़ लिख करके घर पर पहुँचते हो, तुम्हारा नॉर्मल कंडीशन रहता है, तुमको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि तुम चार पैग मार करके आओ, पैर लड़खड़ाने लगे, ऐसे ऐसे गिरते हुए ना, आंखें नशीली सी चढ़ी हुई हो, तो तुम्हारा नॉर्मल बिहेवियर नहीं रहेगा। तुम्हारा बिहेवियर कैसा रहेगा, तुम्हारा बिहेवियर एबेरेंट बिहेवियर रहेगा। कैसा बिहेवियर रहेगा, एबेरेंट बिहेवियर। जो एबेरेंट बिहेवियर है ये बता देगा तुम्हारे पेरेंट्स को कि तुमने आज कुछ ज़रूर लिया है, नशीले पदार्थ, कोई किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया है, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर which is very normal in the past times but it is not normal today. ये आज normal नहीं है, इसलिए आप पकड़े जाएंगे कि आपने कुछ ले रखा है। तो aberrant behavior का मतलब क्या, आपका abnormal behavior। तो aberrant का मतलब abnormal हो जाता है। देखो मैं words को बहुत अच्छे तरीके से discuss कर रहा हूँ, तो आपको मेरी बातें याद रखनी है और इस तरीके से as it is आपको अपनी copy में note करते चले जाना है और lectures अच्छे से सुनो। सिर्फ PDF से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये डिस्कशन इसमें नहीं लिखा हुआ है, मीनिंग तो यहाँ पे लिख दी गई है लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, तो ध्यान से सभी लोग समझेंगे भी इसको। अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, अबेटमेंट से एक ऐसा दोस्त तुम्हारा है ना, एक ऐसा दोस्त तुम्हारा जो तुम्हारे अच्छाई में तो काम देता ही है, तुम्हारे बुराई में भी तुम्हारा साथ दे रहा होता है ना, या तुमको उकसाता है। जैसे कई बार होता है कि तुम कोई अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं पीना चाहते या कोई ऐसा काम नहीं करना चाह रहे होते हो जो तुम्हारा ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारे दो चार साथी संगति जो होते हैं वो तुमको बोल रहे होते हैं कि अरे यार तुमको ऐसा करना चाहिए, यू मस्ट डू इट, और तुम उसके लिए फिर रेडी हो जाते हो और तुम उसको कर देते हो फिर। तो ऐसे काम को, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन द रॉन्ग डूइंग, कोई गलत काम आप करने जाते हैं है ना, काम ऐसा जो गलत हो, ऐसा कोई काम जो गलत हो, उसमें किसी की मदद करना कि भाई तुमको करना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मान लो मैं कोई गलत काम के लिए पैसे मांग रहा हूँ, मेरा दोस्त ये जानता है कि ये गलत काम के लिए पैसे मांग रहा है और बार बार मुझे क्या कर रहा है, वो पैसे का हेल्प कर रहा है, हाँ हाँ ठीक है ये लो पैसे और तुम जा करके इसको करो,
तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एबेरेंट बोलते हैं, सॉरी अबेटमेंट बोलते हैं। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी काम में, किसी गलत काम में साथ देना, किसी गलत काम में साथ देने को क्या बोलते हैं, अबेटमेंट करना, दुष्प्रेरण करना। आगे बढ़ जाते हैं। अबियंस का मतलब होता है कोई ऐसा काम जिसको रोक दिया गया है ना, कोई भी ऐसा काम। अबियंस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा काम जिसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, तो ऐसे काम को क्या बोलते हैं, अबियंस बोलते हैं, है ना। तो उसको देखो यहाँ पे लिखा हो सस्पेंडेड एक्शन, निलंबित करना, किसी चीज़ को निलंबित कर दिया गया हो, रोक दिया गया हो कुछ समय के लिए, उसको अबियंस बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एबर, देखो एक वर्ड आता है हेट करना, है ना। हेट करने का मतलब होता है सिर्फ आप ना ही पसंद करते हैं किसी चीज़ को जनरली, तो एक ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्श टोन का वर्ड है और नहीं तो बहुत ज़्यादा लाइट भी टोन का वर्ड नहीं है, एक न्यूट्रल वर्ड आप कह सकते हैं इसको, ये बीच का वर्ड है। लेकिन जब किसी चीज़ को आप एबर करते हैं ना, हाँ, तो वो जो हेट वाली कंडीशन है, हेट वाली कंडीशन ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, समझ गए बात। तो हेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप उसको एबर बोलते हैं, है ना, है ये हेट ही। तो एबर का मतलब क्या होता है, हेट करना, डिटेस्ट या डिसलाइक करना या हेट करना, ठीक है। डिसलाइक करना, नापसंद करना, नफरत करना, डिटेस्ट करना, ये सारे वर्ड सिनोनिमस हैं एबर के। आगे बढ़ते हैं। एब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को, कोई चीज़ बहुत ही बुरी कंडीशन में हो, जैसे अभी रशिया जो है लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, तो उसके शहरों की हालत एब्जेक्टेड कंडीशन में है, है ना। बहुत सारे शहर बुल की उनकी जो दशा है बिल्कुल बुरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन को, ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एब्जेक्ट बोलते हैं, जो बहुत ही ख़राब कंडीशन हो, जो बहुत ही पुअर हालत में हो, ठीक है। जैसे कोई घर है बिल्कुल जर्जर हालत में है, तो उसको भी आप बोल के आ सकते हैं एब्जेक्टेड कंडीशन में। एब्जोर का मतलब होता है, एब्जोर का मतलब कभी होता है ना कि बहुत आक्रोश में आकर के या अपने इमोशन के चरम पे होते हैं जब आप, तो किसी की कसम खा लेते हैं जो आपका आपके हिसाब से डियर वंस होता है, है ना, दुनिया जहान जिस तरीके से आप मान रहे होते हैं तो उसकी कसम खा लेते हैं। लेकिन जब आप बैक टू द नॉर्मल होते हैं तो आप उस कसम को खोलते हैं, हाँ यार मैंने तो उस दिन इमोशन में आकर के खा लिया था कसम, दैट इज़ नॉट वेरी क्रूशियल, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको छोड़ देते हैं। फिर कसम खाना जो आपने खाया था उस वादे से आप मुकर जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्जोर करना। एब्जोर का मतलब कि सौगंध खा करके आपने उसको त्याग कर दिया, तो रिनाउंस अपॉन ओथ को बोलते हैं एब्जोर करना, ठीक है। यानी मैंने क्या बताया, आपने कसम खाया था, कसम खा करके कसम को तोड़ दिया, उसको क्या बोलेंगे, एब्जोर करना। आगे बढ़ते हैं। एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है, एब्ल्यूशन एक वॉशिंग है, एक नहान है एक टाइप का, जैसे किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको मृत्यु से पहले उसको वॉश किया जाता है, बॉडी को वॉश करने के बाद उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके बाद उनकी बॉडी को क्रिमेशन के लिए ले जाया जाता है। तो वो जो वॉशिंग का टाइम है, वॉशिंग का जो ट्रेडिशन है, उसको एब्ल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, सिर्फ मृत्यु जिस इंसान की हो जाती है उसके लिए ही ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जहाँ पे किसी चीज़ को, मतलब कि बॉडी को अच्छे से वॉश किया जाता है, नहाया जाता है, उसको एब्ल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। धार्मिक शुद्धि टाइप का उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। एब्निगेशन का मतलब क्या होता है, एब्निगेशन एक बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है, इस एब्निगेशन से माता का, मम्मी का प्यार जुड़ा हुआ है। कैसे कह रहा हूँ, देखो घर में अगर एक ही रोटी है और खाने वाले दो या तीन हैं, तो सबसे पहले ये कहने वाली कि मुझे भूख नहीं है वो माँ होती है, है ना। तो उसी वर्ड को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एब्निगेट का मतलब अपना, अपने खाने को, अपने रोटी को त्याग कर देना। उसने क्या किया, त्याग कर दिया, यानी वो उस औरत को जो मदर है, मदर के लिए इस्तेमाल हो जाता है सेल्फ एब्निगेट, क्या इस्तेमाल हो जाता है, मम्मी क्या है, सेल्फ एब्निगेट है, एब्निगेट है ना, सेल्फ एब्निगेट। तो सेल्फ एब्निगेट का मतलब खुद के लिए कोई चीज़ मना कर देना। क्या उसको भूख नहीं है, मदर को भूख है, लेकिन उन्होंने ये जानते हुए भी कि रोटी एक ही है और सबको खिलाया नहीं जा सकता है, तो उन्होंने अपने ही भूख को मार दिया, अपना अपने भूख को त्याग कर दिया, है ना। तो इसको एब्निगेशन बोलते हैं, एक बाय नेचर नाउन है, ठीक है। तो टू गिव अप, छोड़ देना अ राइट और क्लेम, अपने अधिकार को या अपने क्लेम को छोड़ देना किसी और के लिए, इसको बोलते हैं एब्निगेशन करना, ठीक है। और मदर को क्या बोला जाता है, सेल्फ एब्निगेट, ठीक है। क्यों बोला जाता है भाई, हमने आपको बता दिया। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है द प्लेस वेयर समवन लिव्स, ऐसा जगह जहाँ पे कोई रहता है, निवास स्थान को बोलते हैं अबोर्ड।
है ना, जैसे हाउस होता है ना, शेल्टर, शेल्टर भी इसको कह सकते हो, है ना, जहाँ पे रहने का कोई जगह हो, हाउस, शेल्टर, ये सब इसके सिनोनिमस वर्ड है। देखो एग्ज़ाम में सबसे क्लोज सिनोनिम पूछता है, ठीक है, तो इसलिए आपको जो अगर तीन ऑप्शन हैं जो बिल्कुल इसके अपोजिट में हैं, है ना, तो अगर अबोर्ड का मतलब हाउस भी दिखता है, शेल्टर भी दिखता है, तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो आप दोनों ये सारी चीज़ें जानते रहिए। फिर आ जाता है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है, जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा एक बड़ी ही बुरी प्रथा थी, उसको कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे समय बीता गया, तो जब मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होने लगा तो धीरे धीरे वो सारी सिस्टम ख़त्म हो गया। तो किसी भी चीज़ को कोई कुरीति हो या कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसको ख़त्म कर दिया गया है, तो उसको बोलते हैं अबॉलिश करना, ठीक, उन्मूलन करना हिंदी में बोलते हैं। टू पुट एन एंड टू, टू पुट मतलब टू पुट एंड एंड टू मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, एबॉलिश कर देना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे हम लोग क्योंकि अभी वर्ड्स हमको बहुत सारे डिस्कस करने हैं। एबॉमिनेबल, एबॉमिनेबल का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही बुरी, कोई चीज़ बहुत ही बुरी, बहुत ही, इसके लिए एक वर्ड आता है हिंदी में घिनौना, जिसको बोलते हैं घिनौना, हेटफुल, है ना, तो उसको, उसके लिए बोलते हैं, उसको, उस वर्ड को बोलते हैं एबॉमिनेबल, है ना, एबॉमिनेबल, वेरी बैड और अनप्लीजेंट, जिसको और क्या बोल सकते हो, शॉकिंगली बैड बोल सकते हो, जो बहुत ही शॉकिंगली बैड हो, है ना, इतना बैड हो, इतना बुरा हो कि शॉक लग जाए देख करके, तो एबॉमिनेबल उसके लिए वर्ड आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, एबोरिजिनल, एबोरिजिनल का मतलब होता है, देखो ये इसको ये कैसे याद रखोगे, ओरिजिनल वर्ड से याद रखना। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, नेटिव, जो इंसान वहाँ पे रह रहा है, निवासी है वहाँ का, है ना, तो आदिवासियों को क्या बोला जाता है, एबॉमिनेबल, एबोरिजिनल बोला जाता है। एबोरिजिनल का मतलब जहाँ जो आदमी वहाँ पे पहले से ही रह रहा हो, उसकी ही लैंड मास हो वो सारी, है ना, तो उसको बोलते हैं एबोरिजिनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आदिवासी, और इंग्लिश में इसको आप इसका सिनोनिमस वर्ड क्या बोलेंगे, नेटिव बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रयास या कोई भी ऐसा काम जिसका कोई आपको कोई फल नहीं मिलता है, कोई आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसे चीज़ को क्या बोलेंगे, अबॉर्टिव बोलेंगे, अबॉर्टिव एक्शन बोल सकते हैं, यह एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। फ्रूटलेस, फ्रूटलेस है, जिसका कोई फल नहीं मिला आपको। फ्यूटाइल है, फ्यूटाइल का भी मतलब होता है जो बिल्कुल तुच्छ श्रेणी का हो, तुच्छ, उसके उसके रिजल्ट क्या हो, बिल्कुल तुच्छ हो, तुच्छ का मतलब बहुत छोटा या न के बराबर हो, तो उसको फ्यूटाइल बोलते हैं। जैसे कभी कभी घर पे तलाशी मान लो पुलिस ने लिया और उसको कुछ नहीं मिला, है ना, मान लो बहुत ऐसी बहुत बेकार सी कोई चीज़ मिली जिसका कोई उनके इन्वेस्टिगेशन में कोई इसका इस्तेमाल होने वाला नहीं है, तो उनका ऑफिसर अगर पूछेगा हाँ जी बताओ क्या मिला घर से, कुछ मिला क्या, तो बोला अरे नहीं साहब, बड़ा ही फ्यूटाइल सर्च था। कैसा सर्च था, फ्यूटाइल सर्च था, फ्यूटाइल सर्च यानी कि बहुत ही निरर्थक था, जिसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एबॉर्टिव के बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब क्या होता है, अब्रेसिव का मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो रब करने के काम आता है, रबिंग के लिए, रगड़ने के लिए, है ना, घिसने का कोई सामान, तो उसको बोलते हैं अब्रेसिव, ठीक, अब्रेसिव, ए बी आर ए एस आई वी ई। आगे बढ़ते हैं, एब्रिज करना, एब्रिज का मतलब होता है, देखो ब्रिज का मतलब होता है ना जोड़ना, जोड़ना, है ना, तो कोई यहाँ पे अगर एक यहाँ पे एक ये पोल है, दूसरा पोल ये है, ठीक है, इस पोल को दूसरे पोल से जोड़ना हो, ठीक, इस और यहाँ से ऐसे जाना हो, अगर इस पोल पे यहाँ ऐसे डायरेक्ट चले जाएंगे पानी, अगर बीच में वाटर बह रहा है, वाटर है, तो वाटर को क्रॉस करने के लिए यहाँ से अगर यहाँ पे ब्रिज बना दिया जाए तो शॉर्टन हो जाएगी ना डिस्टेंस को, तो ऐसे याद रखना एब्रिज का मतलब क्या होता है, शॉर्टन करना, किसी चीज़ को छोटा बना देना, लघु बना देना, संक्षिप्त कर देना, और या ब्रीफ कर देना, है ना, बहुत सारे वर्ड आते हैं बी आर आई ई एफ, ब्रीफ कर देना, ठीक ये जो ब्रीफ वगैरह है, ये ब्रेव करके एक वर्ड आता है, ब्रेव, ये ब्रेव एक रूट वर्ड है, जो रूट में बताऊँगा, टेंशन लेने का नहीं, तो शॉर्टन या ब्रीफ करने का मतलब क्या हो जाता है, एब्रिज करना। आगे बढ़ते हैं, एब्सीजन, एब्सीजन का मतलब होता है टू कटिंग ऑफ, किसी चीज़ को काटना, एब्सीजन, एब्सीजन का मतलब किसी चीज़ को काटना, कटिंग ऑफ यानी जो चीरा लगाते हो ना, जैसे ये पनीर का टुकड़ा बना दिया मैंने, यूं काट दिया, यूं काट दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, एब्सीजन बोलते हैं, जो चीरा लगा रहे हो, ठीक है, एब्सीजन। अच्छा ये याद कैसे कर सकते थे, सीजर का मतलब जानते हो ना काटना, सीजर का मतलब कैंची, तो सीजर से एब्सीजन याद रखना, तो एब्सीजन का मतलब टू कटिंग ऑफ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कि कहीं भाग जाना, ठीक, चले जाना,
किसी चीज़ बता मगर बताना नहीं, रात में उठे बैग पैक किया और निकल के फरार हो गए। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है टू डिपार्ट सीक्रेटली, बिना बताए चोरी से छुप करके भाग जाना, क्या कहलाएगा? एब्सकॉन्ड कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है किसी कोई कस्टम ऐसा चल रहा है जिसको कोई कस्टम या कोई ऐसा कोई रीति रिवाज है जिसको रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है, उसको बोलते हैं एब्रोगेट करना। किसी चीज़ कोई परंपरा है या कोई कानून है, देखो ये कानून के लिए भी आता है, जैसे ट्रिपल तलाक वाला जो कानून था वो लेके आया गया तो क्या चीज़ रोक दिया गया, जो तीन बार तलाक 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 कह करके तलाक दे दिया जाता था, डाइवोर्स दे दिया जाता था, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया ना। अब एक ही कानून रहेगा तो उसको, बहुत सारे ऐसे पुराने कानून भी ख़त्म कर दिए गए, जैसे इनकम टैक्स वगैरह वाला जो कानून था उसमें चेंजेस कर दिए गए, GST आ गया, अब लोगों को GST रिटर्न वगैरह भरना पड़ता है। तो जो पिछले कानून है उन कानूनों को ख़त्म करना, ख़त्म कानून को भी ख़त्म करने के लिए आता है, किसी कस्टम या परंपरा को ख़त्म करने के लिए भी आता है ये। तो टू अबॉलिश, अभी अबॉलिश का मतलब मैंने बताया था पीछे, तो अबॉलिश का मतलब ख़त्म करना, सम कस्टम, किसी कस्टम को ख़त्म करना, उसको बोलते हैं एब्रोगेट करना। आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो चीज़ अपने आप में कंप्लीट हो, है ना, जो चीज़ अपने आप में कंप्लीट हो, जिसमें कोई कमी ना हो, पूरी हो, इंटायर हो। तो एब्सोल्यूट को कंप्लीट कह सकते हो, इंटायर कह सकते हो, है ना, ऑल भी कह सकते हो। तो जो चीज़ कंप्लीट है अपने आप में, क्या है वो? एब्सोल्यूट है, ठीक है। एक उसमें फिजिक्स में एक टर्म आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो आगे बढ़ते हैं। एब्जॉल्व करना, एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है? जैसे तुमने हमारा दिल दुखा दिया लाइक सब्सक्राइब शेयर ना करके, फिर तुम आकर के कहते हो सर अब से ऐसा नहीं होगा हमसे, तो हमने तुमको कहा ठीक है आज के बाद तुम ऐसा कर देना, शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर देना मेरे वीडियोज़ को, चैनल को। तो मैंने तुमको क्या कर दिया? मैंने बोला कि चलो आज से तुमको मैंने तुम्हारी गलती के लिए माफ़ कर दिया। तो पार्डन जो किया मैंने वो क्या, उसी का मतलब क्या होता है? एब्जॉल्व करना, किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को किसी गलती के लिए माफ़ कर देने को क्या बोलते हैं? एब्जॉल्व करना। पार्डन के लिए एक और वर्ड आता है फॉरगिव करना, FORGIVE। फॉरगिव करने का मतलब भी क्या होता है? किसी को माफ़ कर देना, ठीक है। तो माफ़ करना या पार्डन करना या एब्जॉल्व करना, किसी को दोष से मुक्त कर देना, दोष रहित मान लेना उसको, ठीक है। एब्जॉल्व के बाद आता है हमारे पास वर्ड एब्सटेन करना। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप समवन, टू स्टॉप योरसेल्फ, या आप अपने आप को जब रोकते हैं, टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। जब आप अपने आप को रोकते हैं कोई काम करने के लिए, तो उसी को रोकने के ही एक्शन को क्या बोलते हैं? एब्सटेन करना, ठीक है। जैसे मान लो तुमको शुगर हो गया है, डायबिटीज़ हो गई है, तो तुमको नहीं खाना चाहिए, जो स्वीट्स हैं वो नहीं खाने चाहिए तुम्हें। तो अब तुम स्वीट्स को नहीं खा रहे हो, तो तुम उसका परहेज कर रहे हो या तुम उससे बच रहे हो, है ना। तो तुमने अपने आप को टू स्टॉप योरसेल्फ, अपने आप को तुमने रोक दिया है फ्रॉम डूइंग समथिंग, कोई काम को करने के लिए। यानी अभी तुमने क्या रोक दिया है? उस स्वीट को खाने के लिए अपने आप को रोक रखा है, परहेज कर रखा है, मना कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे एक्शन को क्या बोलते हैं? एब्सटेन करना, ठीक। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी चीज़ पे रोक लगा देना, उस काम को ना करना। आगे बढ़ते हैं। रिफ्रेन, देखो एक वर्ड था यहाँ पे रिफ्रेन फ्रॉम, तो रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम की जोड़ी बनती है। मैं ये कोलोक्विल जो इसके साथ चलते हैं भाषाएं, साथ साथ वाली जो चलती हैं भाषाएं प्रीपोजिशंस, वो भी मैं अलग से डिस्कस करूंगा आपको। तो रिफ्रेन के साथ याद रखना फ्रॉम लगता है, और रिफ्रेन का मतलब होता है एब्सटेन करना, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। फिर अगला वर्ड आ जाता है मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, गलत लिखा है, ये एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट, है ना। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे कभी भी कोई थीसिस लिखा जाता है या कोई बड़ा सा दस्तावेज लिखा जाता है, तो वो उस दस्तावेज में पूरा का पूरा जो मैटर लिखा गया उसको संक्षिप्त में एक छोटी सी चीज़ में उसका एक सार पूरा लिख दिया जाता है, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। उसी को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। बहुत बार आपने किताबों के स्टार्टिंग पॉइंट में भी देखा होगा ऊपर एब्स्ट्रैक्ट लिखा रहता है,
है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, पूरी किताब का एक व्यू पॉइंट कि आप ये किताब किस बारे में लिखी गई है, या जो आगे की जो दो चार पेजेस लिखे गए हैं इसका एक निचोड़ क्या है, इसका एक सब्सटेंस क्या है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा शॉर्टेड, शॉर्टेड भी गलत लिख दिया मेरा टाइप राइट, मेरा जो टाइपिस्ट है, शॉर्टेंड यहाँ लिखना ठीक है, शॉर्टेंड, अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ स्पीच, एक भाषा जो भाषण या कोई चीज़ लिखी गई है उसका एक शॉर्टेंड फॉर्म है ये, है ना, जिसको संक्षिप्त दस्तावेज भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वर्ड की तरफ। एब्स्ट्रूस, बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है एब्स्ट्रूस। कई बार ज़िंदगी में तुम एब्स्ट्रूस में फंस जाते हो, है ना, सुडोकू तुमने खेला है ना, बिल्कुल वो क्या है, एक तरीका एब्स्ट्रूस है, भूल भुलैया एक एब्स्ट्रूस है। क्यों ऐसा है, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ नहीं आती है ना। तो एब्स्ट्रूस का मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही पजल टाइप, पजल समझते हो, पहेली, पजल, सॉरी पजल, तो पजल भी एब्स्ट्रूस को पजल भी बोल देते हैं, पजल। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी परिस्थिति जिसको समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाए उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूस, मुश्किल, बहुत ही मुश्किल हो, है ना, उसको पजल भी बोल देते हैं, पहेली ठीक, मुश्किल या कठिन। आगे बढ़ते हैं। अबिज़मल, अबिज़मल देखो ये बड़ा ही हाई टोन का वर्ड है, बड़े अच्छे जगह इस्तेमाल होता है ये। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बुराई, कोई ऐसी बुरी चीज़ जिसको तुम मेज़र भी नहीं कर सके, इतनी बुरी हो कि तुम उसको मेज़र तक नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं एबिज़मल, है ना। नॉर्मल बैड की बात नहीं है, बैड का मतलब तो हो गया बस बुरा। देखो अंग्रेजी में अगर ये वर्ड, अगर बैड का बुरा इसका भी मतलब होता, बुरा इसका भी मतलब होता, तो ये वर्ड बनता ही क्यों, समझो मामला को। इसका मतलब बैड, इसका भी मतलब बुरा है, इसका भी मतलब बुरा है, लेकिन जब इसकी डिग्री को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे ना, कोई ऐसा बुरा चीज़ हो जाए जिसके जिसके कॉन्सिक्वेंसेस को, जिसके रिजल्ट को तुम मेज़र तक ना कर पाओ, नॉट मेजरेबल हो जो, है ना, और जो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो उसको बोलोगे एबिज़मल, ठीक है। तो वर्ड्स के आपको टोनैलिटी को भी याद रखना है और उसके फ्रीक्वेंसी को भी याद रखना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि उसकी, उसका जो, उसकी जो यूज़ है, उसका जो यूसेज है वो किस लेवल पे किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक्सीड का मतलब, कभी कभी होता है कि आप किसी को, जब एक महापर्व आता है तो महापर्व के टाइम पे आप पुष्प अर्पित करते हैं देवी के चरणों में, तो शुरुआत में देवी जी नहीं मानती हैं, तो उसके बाद भी बहुत सारे चढ़ावे आपको चढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि देवी जी बहुत सारे चढ़ावों के बाद अगर प्रसन्न हो जाती हैं तो वो क्या कर जाती हैं, वो एक्सीड कर जाती हैं तुम्हारे प्रपोजल को, है ना। तो एग्री टू डू समथिंग, ठीक है, मान जाना किसी बात के ऊपर, एग्री कर जाना, दैट इज व्हाट, एक्सीड कर जाना। आगे बढ़ते हैं। एक्लेम करना, एक्लेम करने का मतलब क्या होता है, अप्लॉड करना, किसी चीज़ की प्रशंसा करने को क्या बोलते हैं, अप्लॉड करने को एक्लेम करना, अप्लॉड मीन्स शाबाशी, प्लॉड, ठीक है, तो अप्लॉड करना या एक्लेम करने को क्या बोलते हैं, प्रशंसा करना। फिर देख, फिर अगला वर्ड है एकोलेड को, एकोलेड को क्या लिख दिया है, एकोलेड कौन सा है, ये नंबर 31st, एकोलेड हमने हिंदी या, अच्छा अंग्रेजी भी गलत लिखा है। एकोलेड का मतलब क्या हो जाता है, एकोलेड का मतलब किसी कोई ऐसा काम आप जब करते हैं, कोई आप ऐसा काम करते हैं जो बहुत ही अच्छा हो किसी की नज़र में, जिसके लिए आपको कोई रिवार्ड मिलता है ना, तो उस रिवार्ड को क्या बोलते हैं, रिवार्ड। तो आपने कोई अच्छा काम किया है, रिवार्ड ऑफ मेरिट, रिवार्ड ऑफ मेरिट, तो जो आपने अच्छा काम किया है उसके लिए आपने, आपको एक रिवार्ड मिल रहा है, उसको बोला जाता है अकुलेड, इसको पुरस्कार कह सकते हो हिंदी में, ये गलत लिखा हुआ था, पुरस्कार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक वर्ड आया था अकम्प्लाइस, देखो ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। अकम्प्लाइस का मतलब क्या होता है, जब ये बड़ा यूज़ होता है वर्ड, क्राइम सीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जब आदमी कोई गुनाह कर रहा होता है तो उसके साथ जितने भी लोग मिले होते हैं और उसके गुनाह के साथी, गुनाह के टाइम में हो या जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, भले उन्होंने, मान लो कोई मर्डर हो गया है तो मर्डर किसी एक व्यक्ति ने किया है, लेकिन उसके साथ जितने भी लोग उसको मदद किए हैं या उसके साथी रहे हैं, वो सारे लोग मर्डर में भागीदार माने जाएंगे, है
है ना, तो उसको उसी उन्हीं व्यक्तियों को जो उनके साथ जो मेन मर्डरर था उनके साथ जो मिले हुए व्यक्ति थे उन्हीं को क्या बोला जाता है, अकम्प्लाइस बोला जाता है, या अगर एक बंदा है तो उसी को अकम्प्लाइस बोला जाएगा, बहुत सारे लोग हैं तो उनको भी वही चीज़ बोली जाएगी। पार्टनर इन क्राइम, ठीक है, गुनाह का साथी, उसको क्या बोलते हैं, अकम्प्लाइस। स्पेलिंग याद रखना ACCOMPLICE। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, समझौता, सामंजस्य बैठाना, अकॉर्ड करना, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान में कोई अकॉर्ड है क्या? नहीं है ना, लेकिन USA में और इंडिया में अब तो बहुत अच्छा अकॉर्ड बनने लगा है, सामंजस्य बनने लगा है, इंडो पैसिफिक, इंडो उसमें हिंद महासागर को लेकर के और चाइना से कैसे काउंटर करें, इन सारी चीज़ों के लिए करके इंडिया और USA का एक अकॉर्ड है चल रहा हुआ है, तो वो एक उसी सामंजस्य को अब क्या बोलते हैं, अकॉर्ड बोलते हैं। टू डू समथिंग इन अ कम्प्लीट एग्रीमेंट, ठीक, आप किसी पॉइंट पे एग्री करते हैं, दो चार लोग हैं जो भी मिल करके किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ किसी जो टारगेट है उनका उसके ऊपर एग्री करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट को अकॉर्ड बोलते हैं, ACCORD। आगे बढ़ते हैं, अक्यूज्ड, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, अक्यूज्ड का मतलब दोषी, आरोपी, है ना, वन हु इज़ अंडर द ट्रायल इन द कोर्ट। देखो यहाँ पर लिखा है वन हु इज़ अंडर द ट्रायल इन द कोर्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट के अंदर, अभी वो गुनाहगार है नहीं, है ना, अभी उसका गुनाह साबित हुआ नहीं है, अभी उसका क्या चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अक्यूज्ड बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक्मे का मतलब क्या होता है, एक्मे का मतलब होता है कोई, जैसे मैं ये रुक जाओ, देखो एक्मे का मतलब क्या होता है, ये हमने ये बना दिया, अगर एक पिलर टाइप का मान लो, ये जो उसका सतह है, ये चीज़ है ना, शिखर, तो ये सबसे ऊंचे वाला पॉइंट है ना, तो इसको क्या बोलोगे, एक्मे बोलोगे, ठीक। एक्मे को पीक भी बोलते हैं, सतह, पिनैकल भी एक वर्ड आता है, पिनैकल बड़ा ही प्यारा वर्ड है, पिनैकल भी क्या बोलते हैं, पिनैकल को भी हम लोग शिखर बोलते हैं या सतह बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाता है हमारे पास एक्विट। एक्विट का मतलब होता है किसी को कोई गुनाह किया था उसको एक्विट कर देना, छोड़ देना, जैसे कोई आदमी कोई इंसान जो था उसमें किसी चार्ज के ऊपर उसको कोर्ट में पेश किया गया, उसका चार्ज साबित नहीं हो सका, उसके ऊपर जो लगाए गए चार्जेस थे वो साबित नहीं हो पाए, तो कोर्ट उनको क्या कर देगा, एक्विट कर देगा। अच्छा, इसका क्या होता है उल्टा, कॉन्विक्ट करना, कॉन्विक्ट का मतलब होता है कि उसको बंदी बना देना, कॉन्विक्ट का मतलब होता है उसको पकड़ करके बंद कर देना, सजा दे देना एक तरीके से, लेकिन एक्विट का मतलब क्या होता है, उसी का जस्ट अपोजिट। एक्विट का मतलब किसी को टू डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, कि अब उसको दोषी नहीं माना गया है, उसको डिक्लेयर कर दिया गया भाई तुम दोषी नहीं हो, उसका मतलब क्या होता है, एक्विट करना। आगे बढ़ते हैं, अडाप्ट करना, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम तुरंत याद आ जाता है इस अडाप्ट वर्ड को सुनते ही, है ना, ठीक है। तो जो महारानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था, उसकी स्पेलिंग ADOPT होती है, ये है लिखा अडॉप्ट, ADAPT, है ना। तो अडॉप्ट का मतलब होता है किसी सिचुएशन के अंदर अपने आप को ढालना, और ये जो महारानी लक्ष्मीबाई ने बच्चे को गोद ले लिया था उसका मतलब होता है ADOPT, अडॉप्ट करना, ठीक है। दोनों वर्ड के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा तुम्हें, अडाप्ट का मतलब किसी चीज़ के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, या कोई आदमी किसी चीज़ के अनुकूल अपने आप को ढाल रहा है तो उसको बोलते हैं अडाप्ट करना, ADAPT। और अडॉप्ट करने का मतलब किसी दत्तक पुत्र बना लेना या अपने किसी चीज़ को गोद ले लेना, उसको बोलते हैं अडॉप्ट करना, ठीक है। चाइल्ड को आप अडॉप्ट करते हैं, अडाप्ट नहीं करते हैं, सिचुएशन को आप अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट नहीं करते हैं, समझना बात। आगे बढ़ते हैं, एडिप्ट का मतलब होता है बड़ा ही निपुण आदमी, कोई किसी चीज़ में, है ना, कोई काम को करने में बहुत ही निपुण, कोई बोलने में बड़ा ही अच्छा वक्तव्य उसका अच्छा होता है, बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है, कोई लिखने में बहुत एक्सपर्ट होता है, कोई लड़ाई करने में बड़ा एक्सपर्ट होता है, है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है आप किसी चीज़ में बहुत ही खास हैं, बहुत ही निपुण हैं, वो प्रोफिशिएंट हैं बहुत, है ना, प्रोफिशिएंट हैं, या एफिशिएंट हैं, एफिशिएंट भी इसके लिए वर्ड आता है, एफिशिएंट हैं, और क्या बोल सकते हो जी, एबल बोल सकते हैं, बहुत ही आप एबल हैं, है ना, तो ये सारे वर्ड किसके लिए, एडेप्ट के लिए आएंगे। और कुछ हो सकता है, आप बहुत ही एड्रॉइट हैं, एड्रॉइट,
ठीक है, ये सारे वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एडोलेसेंट, एडोलेसेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी अवस्था है ना, जब आप धीरे धीरे बचपन से बड़े होते हैं, बड़े होते होते जब आपकी जवानी की उम्र आती है, उस उम्र को टीन एज होता है ना, टीन एज, जब आप बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, आपके बॉडी में ग्रोथ आने लगती है, तो आप युवा अवस्था की तरफ आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे अवस्था को एडोलेसेंट कहते हैं, है ना। ये जैसे बचपन होता है, बुढ़ापा होता है, जवानी होती है, उसी की जीवन की एक अवस्था का नाम है एडोलेसेंट। ठीक है, वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एडल्ट, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई भी इंसान जो छोटा तो था, अभी तो बच्चा था, लेकिन धीरे धीरे वो अब एडल्ट बन रहा है। एडल्ट का मतलब वो 18-19 साल के एज में आ रहा है, टीन एज में एंटर कर रहा है, उसको एडोलेसेंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अडल्टरेशन, देखो बड़ा प्यारा प्यारा दो वर्ड कराऊंगा, एक होता है अडल्टरेशन और अगला वर्ड आएगा तुम्हारे पास अडल्ट्री, है ना, समझना दोनों को। अडल्टरेशन, अडल्ट का मतलब पहले यहाँ पे देखो, यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ तुम्हें, एक तो वर्ड आता है अडल्ट, अडल्ट का मतलब जो टीन एज में आ गया हो, 18 से 20 साल 22 साल के उम्र वालों को एडल्ट बोलते हैं, जो 18 उसे साल से ऊपर का हो गया हो, है ना, उसको एडल्ट बोलते हैं, जिसकी सोच समझ जो माइनर ना रह गया हो, है ना, उसको बोलते हैं एडल्ट। लेकिन जब इसी एडल्ट से एडल्टरेशन बनता है तो वर्ड बदल जाता है, ऐसे ही वर्ड को पैरोनिम बोलते हैं, है ना, क्योंकि उनका जो बेस रहता है वो एक ही रहता है, लेकिन जब उनसे बनने वाले वर्ड होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। तो एडल्ट से, एडल्ट तो एक जीवन की अवस्था का नाम है, लेकिन जब तुम एडल्टरेशन बनाते हो तो एडल्ट तो यहाँ तक सेम है, लेकिन आगे का वर्ड इसमें जोड़ते ही इसका मतलब पूरा चेंज हो गया। एडल्टरेशन का मतलब होता है ना, किसी चीज़ को दो अलग अलग सब्सटेंसेस को मिला देना, जैसे कहीं पे दाल, कहीं पे चने की दाल रखी हुई है और कहीं पे मटर की दाल रखी हुई है, तो एक दुकानदार ने बोला कि चलो इसको मिला देते हैं और मुझे सस्ता पड़ जाएगा, तो उसने दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करके उसको बेच दिया, तो इस मिलावट को क्या बोलेंगे, एडल्टरेशन बोलेंगे। लेकिन एडल्ट एक जीवन की एक अवस्था का नाम है। एक और वर्ड मैंने बताने जा रहा था जो ये अब रहा, इसको बोलते हैं एडल्ट्री। एडल्ट्री अभी हाल ही में एक 377 आई थिंक, मुझे क्लियर नहीं है, आई होप शायद कि 377 का कोई एक्ट था, 377 एक्ट, उसको लीगल कर दिया गया है। मतलब मैं उसका पूरा सब्सटेंस यही बताना चाह रहा हूँ कि एडल्ट्री का मतलब होता है जैसे जब शादी वादी हो जाती है तो मैरिज के बाद भी बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे होते हैं, है ना, या कोई फिजिकली सेक्सुअल कोई किसी से इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, एडल्ट्री बोलते हैं। कोई मेल है किसी फीमेल से शादी के बाद भी संबंध रखता है, किसी अपनी पत्नी के अलावा भी, तो ऐसे, या कोई पत्नी है, या कोई पत्नी है किसी मेल आदमी से, कोई मेल से, सॉरी मेल आदमी कह रहा हूँ, किसी मेल से शादी अपने पति के होने के बावजूद भी कोई एक्स्ट्रा अफेयर रखती है, तो उसको बोलते हैं एडल्ट्री करना। ठीक है, तो यहाँ पे तीन वर्ड आपने देखे, एक एडल्ट मैंने बताया आपको, है ना, एक तो एडल्ट हो गया, दूसरा आपको बताया एडल्टरेशन, एडल्टरेशन, और ये तीसरा हो गया ये एडल्ट्री। ठीक है, तो एडल्ट से ही सारे बनने वाले थे, तो ये सारे वर्ड क्या कहलाएंगे, पैरोनिम कहलाएंगे, विवाहयोत्तर संबंध या व्यभिचार करना। आगे बढ़ते हैं। एडवर्स, जब एडवर्स को देखता हूँ ना तो मेरे दिल में घट्टी बजती सिचुएशन मन करता है, यहीं लगा दूँ, लो लगा दिए, मन करता है मेरा सिचुएशन लगा दूँ, समझे, एडवर्स सिचुएशन। ऐसे याद रखा करो वर्ड को ना, वर्ड को बार 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 पढ़ोगे, जिस तरीके से उसमें कुछ ऐसे पिक्चर्स क्रिएट करके कोई है, उनके साथ कुछ जोड़ करके, तो तुम्हें याद रह जाएगा, ऐसे ही याद रखा जाता है वर्ड्स को। तो एडवर्स सिचुएशन मैंने क्यों रख दिया, सिचुएशन कभी ज़िंदगी में तुम्हारे अच्छी हो कभी बुरी हो, तो जो बुरी वाली कंडीशन हो जाती है ना उसी को बोलते हैं एडवर्स, मुसीबत वाली कंडीशन। ठीक है, एडवर्स प्रतिकूल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन, जो तुम्हारे हक में ना हो, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलोगे, एडवर्स कंडीशन या एडवर्स सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मैथ, कोई जब तुम्हारे लाइफ में, आफ्टर मैथ का मतलब मैं बताने जा रहा हूँ, कोई जब आपकी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत परेशान हो रहे होते हैं, है ना, तो मान लो किसी के घर पे कोई डेथ हो गया, ठीक, तो डेथ के बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, कुछ समय 2-4, 10-15 दिन बीतता है, जिस दिन डेथ हुआ रहता है लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, उसके 1-2 दिन बाद 4 दिन बाद रोते हैं, लेकिन धीरे 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 लाइफ कम्स टू द नॉर्मल, और धीरे धीरे सारी चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं, लोग अपने अपने ज़िंदगी को फिर से रिस्टार्ट कर लेते हैं, तो
तो उसी वाले पीरियड को क्या बोलते हैं, आफ्टर मैथ बोलते हैं। आफ्टर मैथ का मतलब क्या, फिर से मैं बताता हूँ कि आप अगर किसी अप्रिय घटना के शिकार हो चुके रहते हैं तो उसके बाद का जो समय आता है ना उसको बोलते हैं आफ्टर मैथ। द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट, कोई ऐसा टाइम जिसके पीछे कोई बहुत बुरी घटना घटित हो चुकी हो उसके बाद वाला जो समय होता है ना उसको बोलते हैं क्या, आफ्टर मैथ। आगे बढ़ते हैं, अगेस्ट। अगेस्ट का मतलब क्या होता है, इतना कोई ऐसा तुम्हारे साथ अचानक से कोई काम हो जाना, कोई ऐसी चीज़ हो जाना जिसके वजह से तुम एकदम शॉक में चले जाते हो, उसको बोलते हैं अगेस्ट। बिल्कुल हतप्रभ रह जाना, बिल्कुल हतुप्रम नहीं हतप्रभ, क्या इसको समझाना बड़ा गलत दिखता है, हतप्रभ रह जाना। मेरी हिंदी भी ठीक है, तुम देख पा रहे हो। सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी, अचानक से कोई चीज़ हो जाना, जैसे मान लो मेरे ही सामने किसी को कुछ हो जाए, बहुत शॉकिंग चीज़ हो जाए, तो मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, अगहेस्ट। ठीक, शॉक में चले जाना। आगे बढ़ते हैं, एजाइल। एजाइल का मतलब क्या होता है, जैसे रबड़ होता है, रबड़ इसको देखो, इसको अगर ऐसे मोड़ोगे तो नहीं मुड़ सकता है ना, लेकिन अगर इसको मोड़ोगे तो ये क्या है, मुड़ सकता है ना, ये क्या है, एजाइल है, क्योंकि ये एजाइल है, ये टूट नहीं रहा, लेकिन अगर यहाँ से करोगे तो ये क्या है, ईयर क्या है, एजाइल है, हड्डी क्या है, यहाँ से मोड़ दूँ, ये नहीं, ये मोड़ दूँ टूट जाएगा ना, ये एजाइल नहीं है, समझ के बात ना। लचीलेपन को, लचीले को क्या बोलते हैं, एजाइल बोलते हैं, AGILE, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, आप अपनी बॉडी को बिल्कुल मूव करा ले रहे हैं, जहाँ पे मूव करा ले रहे हैं, जो मूव करने वाला पार्ट है वो एजाइल है, जो नहीं करने वाला पार्ट है वो एजाइल नहीं है। एग्नी का मतलब दर्द होता है, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, सबको पता होगा। एक्सट्रीम सफरिंग, जब दर्द की सीमा थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं एग्नी। ठीक है, वैसे तो पेन भी वर्ड है ही आपके पास, तो पेन तो बड़ा ही नॉर्मल है, आप पेन किलर खा लेते हैं, है ना, दर्द मारने वाली दवा खा लेते हैं, दर्दनाशक, तो पेन का मतलब दर्द होता है, पेन के डिग्री को थोड़ा बढ़ा दोगे तो एग्नी पे पहुंच जाओगे, समझ गए, उसे ऊपर मत बढ़ाना नहीं तो ऊपर पहुंच जाओगे। अब देखते हैं एजाइल, इसको आप लोग वैसे तो इसको पढ़ते हैं आइल, है ना, इसको थोड़ा सा लंबा पढ़ा जाता है और ये एल पे ख़त्म हो जाता है, आइल पढ़ते हैं। जो सीट के बीच में, जब आप कभी किसी, जैसे बस में एक तरफ बैठे हैं लोग और दूसरी तरफ ये लोग बैठे हैं, तो बीच में जगह है ना, उसी जगह को बोलते हैं आइल, आइल बोलते हैं उसको। ठीक है, याद करने के लिए तुम इसको जैसे लिखा हुआ है इसलिए भी बोल लेना, तुम्हें वोकैबुलरी याद करना, प्रोनंसिएशन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे अभी स्पीकिंग का कोर्स नहीं चल रहा या तुम स्पीकिंग नहीं सीख रहे हो, तो टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ आपको इसको जैसे याद हो रहा है वैसे याद कर लो, बस टेंशन नहीं लेना इतना कि क्या पढ़ते हैं, उसके चक्कर में मत पड़ जाना। तो जो सीट के बीच का जो जगह होता है ना खाली, उसको क्या बोलते हैं, एज आई बोलते हैं। नैरो एंड लॉन्ग स्पेस बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट, है ना, जो जगह होती है उसको आई बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू दोस्त। अल्केमिस्ट बोलते हैं इसको, अल्केमिस्ट का मतलब होता है, इसको छोड़ दो मैं समझाता हूँ, अल्केमिस्ट का मतलब क्या होता है, ये केमिस्ट दिख रहा है, बस इससे समझ जाओ, जो दो रसायन को मिक्स करके कोई चीज नई चीज़ बनाता है उसको बोलते हैं अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट का मतलब जो रसायनों को, केमिकल चीज़ों को, केमिकल्स को मिला करके कोई नया सब्सटेंस बनाता है उसको क्या बोलोगे, अल्केमिस्ट बोलोगे। ठीक है, और देखो मैंने एक बार बताया जब रूट पढ़ा रहा था, किसी भी वर्ड के आगे IST लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है, हम उसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं ना हमेशा। ठीक है, तो IST लग गया, इसका मतलब हम लोग उसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं कैसे बोल सकता हूँ, वन हु स्टडीज़ अल्केमी, वह ऐसा इंसान जो अल्केमी पढ़ की पढ़ाई कर रहा है उसको अल्केमिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अल्केमिस्ट का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो रसायनों को मिला करके कोई नया सब्सटेंस बनाता है, ऐसे व्यक्ति को अल्केमिस्ट बोलते हैं। एलिमनी, एलिमनी का मतलब होता है जब शादी के बाद तलाक हो जाता है, शादी के बाद जब क्या बोलते हैं, डाइवोर्स हो जाता है, तो पति पत्नी अलग हो जाते हैं, तो पति को ये गलती करने के लिए, उसने ये जो गलती कर दी शादी करके, इस गलती को उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, है ना, तलाक तो हो गया भाई, तुम अपने घर चले गए, तुम मैडम अपने घर चली गई, आप अपने घर चले गए, लेकिन औरत को कुछ तलाक के बाद पैसे देने पड़ते हैं ताकि वो अपने जीवन यापन कर पाए, ऐसा मानते हुए कि वो लड़की जो है, वो महिला जो है, वो अपने से अर्न नहीं कर पाएगी और उसके बच्चे हैं तो अपनी ज़िंदगी को गुजारना उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए उसको एलिमनी की राशि दी जाती है, एलिमनी का अमाउंट दिया जाता है।
तो मनी पेड यूजुअली टू अ वाइफ, पैसा जो पे किया जाता है यूजुअली किसी वाइफ को आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जब किसी शादी का टूट जाना होता है, कोई शादी जब टूट जाती है उसके बाद जो पैसे दिए जाते हैं उसको अलीमनी की राशि बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अल्टर, अल्टर का मतलब हिंदी में होता है बेदी। अब बेदी क्या होता है ये समझ लो, ये हो देखो यूँ बना दिया, ठीक है यहाँ बना देता हूँ ऐसे, इसी टाइप का टेबल जैसा कुछ रहता है ऊंचा सा, उसी ऊपर जो रिलीजियस काम होते हैं, जैसे मान लो कोई कोई पूजा करने का कुछ सामान रखना है तो ऐसे उसको बना दिया जाता है टेबल जैसा, उसी के ऊपर रख दिया जाता है और वहाँ से पूजा वगैरह किया जाता है। तो उसको जो बेदी है उसी को जो टेबल टाइप का जो बनाया गया स्ट्रक्चर है उसी को क्या बोलते हैं, बेदी बोलते हैं। ठीक है, बड़ा ही एक कॉमन सा मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ तुम्हें, एक छठ पूजा नाम से एक पूजा मनाया जाता है इंडिया में, बड़ा ही फेमस है वो। तो जब शाम में आप लोग महिलाएँ जाती हैं घाट के किनारे या पानी के पास जहाँ पे भी उनके पास रहता है, बहुत सारे नदी और पोखरों के पास मनाया जाता है वो, तो उसके किनारे पर मिट्टी से या ईंट से छोटा सा बना दिया जाता है, उसी के ऊपर वो अपना कलश रखती हैं और पूजा करती हैं, सूर्य का पूजा करती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, बेदी बोलते हैं। ठीक है ना, एल्टर इसको बोलते हैं, एल्टर। आगे बढ़ते हैं, देखो एल्टर जो लिखा है, एक और वर्ड है एल्टर, ALTER, इससे कन्फ्यूज़ मत हो जाना, यहाँ पर ALTER लिखा हुआ है और यहाँ पर ALTAR लिखा हुआ है ना। तो ALTER का मतलब होता है, अल्टर का मतलब किसी चीज़ में चेंजेस करना, किसी चीज़ को बदलना, और अल्टर का मतलब ये वाला जब ए लगा दोगे तो उसका मतलब बेदी हो जाएगा। आगे बढ़ो, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब दो महिलाओं को देखे हो, दो महिलाएं, जब दो महिलाएं एक पास बैठी रहती हैं और कोई ऐसा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जो दूसरी एक दूसरी महिलाओं में से दोनों को ना पसंद हो, है ना, तो धीरे धीरे जो वाद है वह विवाद में बदल जाता है। क्या मैंने बोला, जो उन महिलाओं के बीच में जो वाद था, जो बातचीत थी, जो वाद था वो विवाद में बदल जाता है। जब तक वाद है वो तो एक कॉन्वर्सेशन है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, लेकिन जब वो विवाद में बदल गया तो वो कॉन्वर्सेशन नहीं रह गया, अल्टरकेशन बन गया। क्या बन गया, अल्टरकेशन बन गया। तो अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरकेशन का मतलब होता है अलाउड आर्गूमेंट, एक बहुत ही तेज आवाज में बहस होना, झगड़ा करना, ये इस तरह करते हैं ना झगड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरकेशन बोलते हैं। ठीक है, वॉक युद्ध मतलब जवाबी हमला करना, बातों से लड़ाई करना, बहस करना। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब बड़ा ही अच्छा वर्ड है, ये बहुत चर्चित भी है, लोगों के बिहेवियर में बड़ा पाया जाता है। जैसे तुमने किसी को किसी को पूछा किसी काम के लिए, उसने ना तो हाँ में जवाब दिया ना तो ना में जवाब दिया, तो जब ना या हाँ में जवाब कंफर्म नहीं रहता है कि उसने हाँ बोला या ना बोला, है ना, तो वो सिचुएशन क्या है, एम्बिगुअस सिचुएशन है। जैसे मैं बोलूँ कि तुम चलोगे घूमने, उसने देखा ऐसे करके आगे बढ़ गया, अब मैं इस बात को क्या समझूँ, उसने हाँ बोला कि ना बोला, लास्ट में मैं शाम को बोला भाई तुमने तो बोला था चलो घूमने के लिए, चलो चला जाए, वो बोलता है कि मैंने कब बोला, तो मतलब अरे तुम ऐसे तो तुम तो ये भी नहीं बोले कि तुम नहीं जाओगे, तुमने देखा मुझे लगा कि हाँ तुम जाओगे, मैं तो रेडी हो गया तुमको चलना पड़ेगा, तो उसने बोला भाई देख मैंने ना तो हाँ बोला था मैंने ना बोला था, यानी ये कैसी कंडीशन है, ये कंडीशन है एम्बिगुअस कंडीशन, एम्बिगुअस सिचुएशन, जहाँ पे कोई चीज़ द्विअर्थी हो जाए, है ना, द्विअर्थी हो जाए या अस्पष्ट रहे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस सिचुएशन। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, किसी भी बात का जब एक से ज़्यादा मतलब निकलने लगता है तो उस कंडीशन को या उस बात को क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस बोलते हैं। एमिनेबल, जब आप किसी को सजेशन देते हैं और उस सजेशन को मानने के लिए रेडी हो जाता है ना, उस सजेशन को मानने के लिए रेडी हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, विलिंग टू एक्सेप्ट सजेशन, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एमिनेबल। ठीक है, एमिनेबल का मतलब होता है किसी कंडीशन को, किसी शर्त को मानने के लिए आप एग्री कर जाए उसको एमिनेबल बोलेंगे। दूसरा वर्ड एमिनेबल के बाद एमिकेबल आता है, जिसमें तुम कंफ्यूज नहीं होगे, वो एमिनेबल था और ये एमिकेबल है, सॉरी एमिएबल है ना, एमिएबल का मतलब क्या होता है, एमिएबल है, एमिकेबल होना चाहिए, एमिएबल है ना। एमिएबल का मतलब क्या होता है, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति, जो लोगों से बड़े ही वार्म हार्टेडली मिलता है, हाँ गर्म जोशी के साथ मिलता है, बड़े ही प्यार से मिलता है ना, दोस्ताना मिजाज का आदमी,
है ना, प्लीजेंट हो, बहुत ही शानदार टाइप का इंसान, बड़ा ही फ्रेंडली बिहेवियर रखने वाला, उसको बोलते हैं एमिनेबल, एमिएबल। एमिएबल एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसका जो बिहेवियर था एमिएबल बिहेवियर था, ये लो हमने लगा दिया ना, अभी ये नाउन हो गया, अब इसके पहले आने वाला वर्ड क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ठीक, तो एमिएबल बिहेवियर, दोस्ताना मिजाज। आगे बढ़ते हैं, एंग्स्ट। एंग्स्ट का मतलब देखो, एक तो जानते हो टेंशन, टेंशन तो समझते हो ना, जब उसका फोन तुमको नहीं आता है, जो तुमको हो जाता है उसी का नाम है टेंशन, समझे। और इसका जब डिग्री बढ़ा दोगे ना तो यहाँ पहुँच जाओगे, मैं बार बार बताता हूँ डिग्री बढ़ा बढ़ा करके, तो याद रखा करो। एंग्स्ट, एंग्स्ट का मतलब कि ग्रेट एंग्जाइटी, अपनी ज़िंदगी के बारे में जब बहुत ही एंग्शियस हो तुम, बहुत ही एंग्जाइटी में हो, बहुत ही चिंता में हो, बहुत ही व्याकुलता हो तुम्हारे अंदर, है ना, कहीं भी चैन ना मिल रहा हो, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंग्स्ट बोलते हैं। और ये टेंशन की एक्सट्रीम डिग्री को बोलते हैं, जिसको चिंता बोल रहे हो हिंदी में, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ हिंदी में मत जाया करो, बेवकूफ़ बना देगा तुम्हें। एंग्विश, एंग्विश का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो मतलब तुम खुश नहीं हो, है ना, तुम्हें ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा परेशानी है, कोई ऐसी समस्या है जो तुमको खुश नहीं रहने दे रही है, या बहुत पेन में हो तुम किसी चीज़ को लेकर के, तो उसको बोलते हैं एंग्विश, एंग्विश कंडीशन। देख रहे हो ना, एक्सट्रीम यहाँ पे लिखा हुआ, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब हद से ज़्यादा, बहुत ही ऊपर लेवल का जब अनहैप्पीनेस आपके अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, एंग्विश बोलते हैं। जब आपका अनहैप्पीनेस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलोगे, एंग्विश बोलोगे। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसी के आगे, आज तक 58-56 तो हो गया है, इसके आगे हम लोग करेंगे लगभग मैं 800 वर्ड के बारे में डिस्कशन करूँगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सिनोनिम एंटोनिम के MCQ पे, और ये जो अच्छे से पढ़ोगे तो आगे के जो सिनोनिम एंटोनिम मैं कराऊँगा वो आप लोग अच्छे से कर पाओगे। बाकी जो सीरीज चल रही है रूट वर्ड की, वो अपनी जगह कंटिन्यू रहेगी, आगे उसके वीडियोज़ आते रहेंगे, तो ये आप लोग इसके प्लेलिस्ट में जाइए, वॉच करिए, और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़रूर से शेयर करें, आप लोग अपने व्यूज़ ओपिनियन भी बताएं। देखो, आप अगर ओपिनियन अपने नहीं बताओगे तो हम लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, है ना। हर इंसान कहीं ना कहीं गलती कर रहा होता है, और वो हर दिन सीखता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ बहुत जगह, तो मैं अपनी गलतियों को कैसे सुधारूँ, मैं किससे पूछूँ, तो मैं आपसे ही पूछूँगा। आप अपने कॉमेंट किया करिए, बताया करिए, आप जितने भी लोग देखते हैं इसको आप अपने आगे भी शेयर किया करिए, अगर आपको फ़ायदा होता है तो। देखो, डिसलाइक का भी बटन मिलता है वहाँ पे, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ज़रूर इसको एक बार विज़िट करें, देखें, और हम लोगों को सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू क्लास।